अस्सलाम वालेकुम, कैसे भी हो? सब ठीक है, अल्लाह ताला सबको खुश रखे, अपने जुबान में रखे। तो आज हम बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आए, बनाने लगे चंगेजी, चिकन चंगेजी बनाएंगे। तो चले फिर स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले वही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें, ताकि जो भी हमारी वीडियो आपको मिले कमेंट्स में लिखा करें। तो पहला स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताती हूँ मैं, वन बाय वन। तो अब चले, पहला ये है मेरे पास चिकन है, एक चिकन है, तो अब उसी हिसाब से मैं स्पाइसेस यूज़ कर रही हूँ, तो आपके पास जितनी हो उस हिसाब से आप डालें। तो चिकन ले लिया है, इसे अच्छे से वॉश कर लिया है, तो अब इसमें मैं डालूँगी, सबसे पहले इसको हमने मैरिनेट करना है चिकन को, फिर दूसरा सेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें मैं डाल रही हूँ ये चिली, रेड टर्मेरिक हाफ टी स्पून, इजी तरीके से बताऊँगी, कोरिएंडर एक टेप, घर में ही रेस्टोरेंट का मसा लेंगे, तो एक टी स्पून जो है वो ज़ीरा पाउडर का ध्यान रखिए, बस जितना आप खाते हैं। चले, योगर्ट डालूँगी मैं इसमें, फ्रेश योगर्ट है, ठीक है। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो व्यूज़ ये हमारी मैरिनेशन हो गई, इसको साइड पर रखते हैं आप, इसके ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है 2 घंटे रखना है, 3 घंटे रखना है, या ओवर नाइट रखे, जितना रखेंगे उतना ही ज़्यादा इसका टेस्ट आएगा। तो आप इसको साइड पर करके अगला स्टेप, यहाँ पे ले ली मैंने पैन, अब यहाँ पे ना सबसे पहले ये दालचीनी डाल के खड़े मसाले ब्लैक पेपर डालिए, ब्राउन इलायची और ये 10 लौंग और 2-3 ले लीजिए, बस ये डाल दीजिए, खड़े मसाले इसमें हो गए। और यहाँ पे ये मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ले लिए, ठीक है, गार्लिक ले लिया यानी कि लहसुन ले लिया है 8-10 इसके, ठीक है, टोमेटो ले लिए हैं 2-3 मीडियम साइज़ के, ग्रीन चिली है और ये है अदरक, ठीक है। अब ये हो गए हमारे मसाले, अब इनको हमने डाल दिया, ये देखिए कैसा मज़ेदार सा बनेगा ना। तो सबसे जो मेन है वो इसमें ये है काजू है, ठीक है, एक मुट्ठी इसमें भर के जो है वो आप डालेंगे काजू, तो चंगेजी बन जाएगा मज़ेदार सा। तो बस अब ये हो गया, तो अब इसको हम कवर कर देंगे 10-15 मिनट के लिए, इस दम पे जो है ना वो हम इनको कुक करेंगे अगला स्टेप पर। तो चलें जी, अब हमने मैरिनेशन हमारी हो गई और मसाला भी जो है वो भी हो गया। अब यहाँ पे ये मैंने ले लिया ऑयल और मैं कुछ डाल रही हूँ बटर, आप चाहें तो घी में बना लें, चाहे बटर में बना लें, ये आपकी चॉइस है, क्योंकि ये काफ़ी रिच है रेसिपी, तो इस वजह से जो है ना मैं तो इसको दोनों यूज़ कर रही हूँ। चलें, बस ये हमारे मज़ेदार से हमारी बन गई चंगेज़ी। अब इसको हम जो है ये मैरिनेशन की थी, इसको हम फ्राई करते हैं इसमें, ठीक है, ये अच्छे से जो है ना इसका योगर्ट का जो वाटर है वो हमने सारा ख़त्म करना है, इसको फ्राई करना है इसमें, फिर अगला स्टेप। ये देखें हमारी चिकन जो है वो फ्राई हो गई अच्छे से, ये देखें ऑयल सारा उसमें छोड़ दिया, बस इस तरह से ये होना चाहिए कि योगर्ट का पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो गया। तो अब हम जो हमारे मसाले थे ना, तो हमने किया था दम पे इनको पकाया था, प्याज सारा कुछ काजू वगैरह सब, ये अब इसमें ऐड कर देते हैं, इसको उनमें देखे मसाला डालते ही जो है ना वो कैसा ज़बरदस्त टेस्टा हो गया, घर में ही बनाए मज़े से, इतनी ज़बरदस्त जो है ना वो ये रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई करें और आपको बहुत मज़ा आएगा, आपको ऐसे लगेगा जैसे आपने बहुत बड़े किसी अच्छे से रेस्टोरेंट से खाना खाया। तो बस इसको थोड़ा कुक करते हैं, वैसे तो कुक किए हुए हैं लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसको करना पड़ेगा। चलें जी, तो व्यूज ये बन गई हमारी चंगेज़ी, चिकन चंगेज़ी ज़बरदस्त, ये देखें कैसी ज़बरदस्त बनी है, ये देखें, आप ज़रूर ट्राई करें और बनाएँ और फिर खाएँ और फिर इंजॉय करें। और अब हम इसको डिश आउट करते हैं, तो चलें देखिए, घर में ही मैंने आपको ज़बरदस्त सी जो है ना वो डिश बता दी है बनानी, तो आप ज़रूर ट्राई करें प्लीज़। तो व्यूअर्स ये देखिए, ये ज़बरदस्त हमारी बनी है चिकन चंगेज़ी ज़बरदस्त। तो चले जी, अब आप ज़रूर ट्राई करें और इन्जॉय करें, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, बाय बाय। नान के साथ खाएं या पराठे के साथ खाएं, जैसे भी चाय खाएं, तो फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज़।